हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक न्यूज जॉब का अपडेट लेके आया हूँ, जो कि मेघालय मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल सेक्रेटरीट की तरफ से है। तो पूरा डिटेल जानने के लिए प्लीज वीडियो को पूरा देखना और सेलेक्ट तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग गवर्नमेंट ऑफ मेघालय मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल सेक्रेटरीट की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, मतलब नोंगरिम हिल्स शिलोंग की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया और ये नोटिफिकेशन करीबन 29 मार्च को ही रिलीज किया था। ठीक है, और एडवर्टाइजमेंट में लिखा है दोस्तों, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर कैंडिडेट फुलफिलिंग द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड इन नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल सेक्रेटरीट शिलोंग ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। तो दोस्तों, बेसिकली ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल सेक्रेटरीट ऑफिस में शिलोंग पे। तो नीचे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोस्तों जॉब्स के डिटेल्स। तो सबसे पहले आप लोग नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, पोस्ट का नाम है दोस्तों स्टाफ कार ड्राइवर। ठीक है, और इसके लिए पोस्ट है दोस्तों टू। ठीक है, तो टू वैकेंसी है इसके लिए, और इसके लिए सैलरी होगा आप लोगों का 19,000 से स्टार्ट होके, मतलब 19,900 से स्टार्ट होके 63,200 तक आप लोगों का सैलरी जाएगा। ठीक है, और इसका रिजर्वेशन है दोस्तों 1 for SC and 1 for unreserved, मतलब SC कैटेगरीज के लिए 1 वैकेंसी रिजर्व है दोस्तों, और अनरिजर्व के लिए 1 रखा है। ठीक है, तो मतलब SC के लिए 1 पोस्ट और अनरिजर्व के लिए 1 है। ठीक है, तो अनरिजर्व मतलब तो UR मतलब अनरिजर्व, और अनरिजर्व मतलब हर कोई अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। ठीक है दोस्तों, और मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे दोस्तों मिनिमम क्वालिफिकेशन आप लोगों का पहले ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, तो नॉलेज ऑफ कार मैकेनिज्म आप लोगों का कार के बारे में कुछ नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद 5 ईयर एक्सपीरियंस आप लोगों का होना चाहिए, मतलब आप लोगों का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आप लोगों का 5 ईयर्स पुराना होना चाहिए। ठीक है, मतलब ओल्ड होना चाहिए। उसके बाद मस्ट बी एबल टू रीड एंड राइट इंग्लिश न्यूमेरिकल एंड फिंगर्स, मतलब आप लोगों का इंग्लिश एंड न्यूमेरिकल्स एंड फिगर्स आप लोगों का आना चाहिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत। ठीक है, और इसका मेन जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों 6 पास। ठीक है, तो ओनली 6 पास होने से ही आप लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। ठीक है दोस्तों, तो 6 पास होने से ही आप लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो विथ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, और एज लिमिट रखा है दोस्तों 18 to 25। ठीक है, तो 18 to 25, उसके साथ ही एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है। ठीक है, तो एस सी के लिए 5 ईयर्स एंड OBC के लिए 3 ईयर्स। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे आप लोगों का SC ST के लिए 5 ईयर्स एंड OBC के लिए 3 ईयर्स एक्सटेंशन दिया हुआ है। ठीक है, मतलब आप लोग अप टू, अगर SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप लोग अप टू 30 ईयर्स तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यहाँ पे दोस्तों प्लेस ऑफ वर्क आप लोगों का पोस्टिंग कहाँ पे होगा, यहाँ पे आप लोग शिलोंग हाउएवर लेवल टू ट्रांसफर एनीवेयर इन इंडिया। तो शिलोंग पे पहले होगा, उसके बाद हम लोगों का कहीं पे भी ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और नेचुरिटी यहाँ पे परमानेंट जॉब है दोस्तों, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट जॉब नहीं है, ये परमानेंट जॉब है। ठीक है दोस्तों, वेदर वुमेन आर एलिजिबल, तो वुमेंस के लिए ये पैकेजेस नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों इसको अप्लाई कैसे करेंगे, तो एप्लीकेशन फॉर्म एंड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ पे क्लिक करके इस जॉब के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप लोगों को प्रिंटआउट करना है, उसके बाद आप लोगों का जो सारा डॉक्यूमेंट है वो एक एक कॉपी जेरोक्स करके आप लोगों को सेल्फ अटेस्टेड करके आप लोगों को सबमिट करके आना है। ठीक है, तो कहाँ पर सबमिट करना है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों IC डिप्यूटी सेक्रेटरी एडमिन नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल सेक्रेटरीट नोंगरिम हिल्स शिलोंग, पिन नंबर है 793003। तो आप लोगों को इस ऑफिस एड्रेस पर आप लोगों को एप्लीकेशन सबमिट करना है, या तो आप लोग बाई पोस्ट भी सेंड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसका लास्ट डेट होने वाला दोस्तों यहाँ पे आप लोग दोस्तों मेघालय विद इन 45 डेज ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ है दोस्तों 29 मार्च को, और इसका उसके 45 डेज के बाद इसका लास्ट डेट होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो मतलब मान लो आप लोग मई की 13-14 ऐसा कुछ मान लो। ठीक है दोस्तों, तो मई की 13-14 इसका लास्ट डेट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग उससे पहले अगर इंटरेस्टेड है तो जरूर अप्लाई कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहाँ पे क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना। ठीक है दोस्तों, आई होप इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू मिथिला एंड कांचीकांत।